बेड़ा गर्क कर देगी आदिवासी समाज का ये बीजेपी। बीजेपी आदिवासी समाज के खिलाफ है, बीजेपी आदिवासी समाज से नफरत करती है, बीजेपी आदिवासी समाज से शुरू से उनके खिलाफ है कि जब पाप का गड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। अगर बीजेपी एक आदमी से डरती है तो उसका नाम है चेतर वसावा। आने वाले समय में चेतर वसावा तुम्हारा काल बन के निकलेगा, तुम्हारा सत्यानाश करेगा बीजेपी का चेतर वसावा जिस दिन बाहर आएगा। चेतर वसावा शेर है और बीजेपी वालों, शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। जिस दिन शेर बाहर निकलेगा उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। तो आज से गुजरात के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज आप लोगों से मिलने आए हैं और कल हम जेल में चेतर वसावा से मिलने के लिए जाएंगे। इन्होंने चेतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया। चेतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है और चेतर वसावा हमारा छोटा भाई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे इस बात से हुई कि चेतर वसावा की धर्मपत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, शकुंतला बेन को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन चेतर वसावा की धर्मपत्नी है लेकिन वो हमारे समाज की बहू है। इन्होंने हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे, उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहु बेटियों को नहीं छेड़ते थे। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। इन्होंने हमारी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। चुप तो नहीं बैठोगे? बदला लेना है। चेतर वसावा आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ युवा नेता है, बीजेपी उसको कुचलना चाहती है, बीजेपी पूरे आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि अगर किसी युवा ने आंख उठा के देखी, अगर किसी युवा ने दोबारा उठा के देखा तो उसको भी हम कुचल देंगे। इस बारे में चुप नहीं बैठना, अगर हम चुप बैठ गए तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। बीजेपी को डर लगता है कि अगर चेतर वसावा आगे बढ़ गया तो ये आदिवासियों के हक की बात करने लगेगा, आदिवासियों को हक दिलाना चालू करेगा। ये जितनी बातें अभी वर्षा बहन ने पढ़ के सुनाई, जो उन्होंने चिट्ठी में लिखी है चेतर वसावा ने, जितनी बातें लिखी है, स्कूल की बात लिखी है, अस्पताल की बात लिखी है, जल जंगल जमीन की बात लिखी है, रोजगार की बात लिखी है, जमीन हड़पने की बात लिखी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात लिखी है, 30 साल से बीजेपी का राज है, बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं किया? अगर बीजेपी कर देती तो आदिवासी समाज को चेतर वसावा की जरूरत नहीं थी। बीजेपी ने नहीं किया, इसी से चेतर वसावा को इनके लिए आवाज उठानी पड़ी। दोस्तों, बीजेपी आदिवासी समाज के खिलाफ है, बीजेपी आदिवासी समाज से नफरत करती है, बीजेपी आदिवासी समाज से शुरू से उनके खिलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 30 साल से बीजेपी का राज है गुजरात में, आज यहां इतने आदिवासी गांव से लोग आए हुए हैं, हजारों लाखों लोग आए हुए हैं,
30 साल में बीजेपी ने आपके गांव में कुछ किया? कोई सड़क बनवाई? कोई स्कूल बनवाया? कोई अस्पताल बनवाया? किसी को नौकरी दी? कुछ नहीं किया बीजेपी ने 30 साल के अंदर, कुछ नहीं किया। और 30 साल वोट दे दो बीजेपी को, कुछ नहीं करने वाली, बेड़ा गर्क कर देगी आदिवासी समाज का ये बीजेपी। चैतर वसावा का क्या कसूर है? क्यों उसको जेल में डाला इन्होंने? क्योंकि चैतर वसावा गरीबों और मजदूर आदिवासी लोगों को उनका हक दिला रहा था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपकी जमीनें हड़पने के लिए आते हैं तो चैतर वसावा बीच में खड़ा होकर आपकी रक्षा करता है, आपकी जमीन की रक्षा करता है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर फर्जी एफआईआर करते हैं तब चैतर वसावा पुलिस वालों से आपके लिए लड़ता है। जब आपके स्कूल नहीं बनते, आपके, मुझे बताया गया कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है, चैतर वसावा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, चैतर वसावा आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है दोस्त। अभी उन्होंने चिट्ठी में लिखा कितने सरकारी अस्पताल है, मुझे पता चला यहां के सिविल अस्पताल को प्राइवेट कर रहे हैं, किसी बड़े साहूकार को अस्पताल दे रहे हैं। अगर हमारे गरीब, हमारे घर में कोई बीमार हो जाएगा हम कहां जाएंगे? वो अमीर आदमी, प्राइवेट आदमी तो पैसे लेगा, बड़े बड़े पैसे लेगा। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, दिल्ली के अंदर अब गरीब हो चाहे अमीर हो सबका इलाज मुफ्त कर दिया। यही गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी के लिए तो लड़ रहा है चैतर वसावा, आदिवासी समाज के लिए इतना हजारों लाखों करोड़ का पैसा आता है, केंद्र सरकार से आता है, गुजरात सरकार से आता है, कहां जाता है सारा पैसा? एक भी पैसा अपने गांव में नहीं आता, एक भी पैसा हमारे ऊपर खर्च नहीं होता, सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग, सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग। इसी के खिलाफ चैतर वसावा लड़ाई लड़ रहा है, इसी के खिलाफ चैतर वसावा आवाज उठा रहा है, इसलिए उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया कि अगर ये ज्यादा बोलेगा तो हमारी लूट, हमारा डाका बंद हो जाएगा दोस्त, इसलिए उन्होंने उसको जेल में डाला। ये कसूर है चैतर वसावा अपने लिए नहीं लड़ रहा, चैतर वसावा अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चैतर वसावा अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चैतर वसावा आदिवासी समाज के एक एक आदमी के लिए लड़ रहा है दोस्त। आज पूरे गुजरात में अगर बीजेपी एक आदमी से डरती है तो उसका नाम है चैतर वसावा। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, आने वाले समय में चैतर वसावा तुम्हारा काल बन के निकलेगा, तुम्हारा सत्यानाश करेगा बीजेपी का चैतर वसावा जिस दिन बाहर आएगा। या तो उसको छोड़ दो, नहीं तो आज से गुजरात के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उस पर ये लोग दबाव डाल रहे हैं चैतर वसावा पे, मुझे संदेश आया था चैतर वसावा का, उस पर दबाव डाल रहे हैं बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको मंत्री बना देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको करोड़ों रुपया देंगे, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। दोस्तों आज अगर चैतर वसावा बीजेपी में शामिल हो जाए उसको कम से कम 100 करोड़ रुपया मिलेगा, उसको मंत्री पद मिलेगा। लेकिन चैतर वसावा ने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूंगा। उसने आपको नहीं छोड़ा, आपके परिवार को नहीं छोड़ा, आपके समाज को नहीं छोड़ा चैतर वसावा ने। चैतर वसावा ने कहा मुझे चाहे 10 साल 15 साल जेल में रखो, अपने समाज के साथ धोखा नहीं करो, अपने समाज के साथ धोखा नहीं करो। वो चाहता तो ऐशोराम कर सकता था, करोड़ों रुपए की कोठी खरीद सकता था, गाड़ियां खरीद सकता था, पैसे ले सकता था, मंत्री, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आपके लिए खड़ा है, आपके लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा चैतर वसावा। चैतर वसावा शेर है, और बीजेपी वालों, शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रखा जा सकता,
जिस दिन शेर बाहर निकलेगा उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। कल मैं और भगवंत मान साहब, और अगर जेल वालों ने परमिट किया तो गोपाल इटालिया साहब और यशोदान गढ़वी भी, हम उनसे जेल में मिलने के लिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं उनको चैतर्य साहबों को जाके कह दूं कि सारा गुजरात उनके साथ खड़ा है? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि आज सारा गुजरात चैतर वसावा के साथ खड़ा है? सारा गुजरात चैतर वसावा के साथ खड़ा है? मैं कल जाके बोल दूं चैतर वसावा को, आपका संदेश लेके कल मैं जाऊंगा। ये लड़ाई चैतर वसावा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी इज्जत की लड़ाई है, आपके मान स्वाभिमान की लड़ाई है, पूरे आदिवासी समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप बैठे रहे तो ये बीजेपी वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। कल अगर कोई भी युवा आदिवासी समाज से खड़ा होगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। हमें चुप नहीं रहना, उठो खड़े हो जाओ सब लोग। और आज हम लोगों को ये बीजेपी को संदेश देना है कि अब इनकी अत्याचार नहीं चलेगा, अब इनका अपमान नहीं चलेगा, ये अपमान हम सहने वाले नहीं है। दोस्तों आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चैतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब तक चुनाव होंगे चैतर भाई बाहर आ जाएंगे। हमने उन्हें बाहर लाने के लिए बड़े बड़े देश के जो सबसे बड़े वकील हैं, देश के जो सबसे महंगे वकील हैं, बड़े से बड़े वकील आम आदमी पार्टी ने चैतर भाई और शकुंतला बहन के लिए किए। मेरे ख्याल से 20 तारीख को शकुंतला बहन की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 20 तारीख को शकुंतला बहन को बेल मिल जानी चाहिए। उसके बाद हम जल्दी से जल्दी कोशिश करके चैतर भाई को भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने षड्यंत्र रच के चैतर भाई को लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने दिया तो उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे? चैतर भाई की फोटो लेके घर घर जाना पड़ेगा, लड़ोगे? बीजेपी की यहां से जमानत जब्त होनी चाहिए, लड़ोगे? ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव आप चैतर भाई के लिए नहीं लड़ रहे, ये आप अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हो। तो चाहे वो जेल में रहे चाहे वो बाहर रहे, हमें चैतर भाई को दिल्ली में लोकसभा में भेजना है। अभी चैतर भाई की आवाज यहां से गूंजती है, अब चैतर भाई की आवाज दिल्ली से पूरे देश के अंदर गूंजेगी। कल हम जाएंगे चैतर भाई से मिलने के लिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे। और बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है, गीता में भी लिखा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। लास्ट में मैं एक नारा बोलूंगा, एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जेल के ताले टूटेंगे, आप बोलना चैतर वसावा छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे,